बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी किशोर में। दोस्तों आज हम छठे का सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सेट नंबर चौथा देखेंगे, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद ऑप्शन को बताने के बाद 2 सेकंड के लिए रुक जाऊंगा। आप इसको एक टेस्ट सीरीज के रूप में लीजिएगा, तो इसके आंसर दोस्तों आप 2 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, या फिर एक नोट कॉपी या पेन लेके बैठ जाइए, तो उसका आंसर आप अपने आंसर शीट पे बना लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? पहला ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी है शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी है जोक नदी, ऑप्शन डी है दोस्तों अरपा नदी। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। दोस्तों महानदी की जो कुल लंबाई है वो 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो दोस्तों बहती है लगभग 286 किलोमीटर बहती है, और इसका उद्गम स्थान उद्गम जो जहाँ से निकलती है दोस्तों वह सिहावा पर्वत नामक एक स्थान है धमतरी में, वहां से निकलती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ दो सूचियां दी गई है, एक में सिंचाई परियोजना, एक में नदी के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों कौन सी नदी भी कौन सी परियोजना है इसको दिया गया है, आपको इसको मिलान करना है। यहाँ संजय गांधी के सामने पैरी दिया हुआ है, राजीव गांधी के परियोजना के सामने महानदी दिया हुआ है, दुधवा परियोजना के सामने खारंग दिया हुआ है, और शिखासार परियोजना के सामने मनियारी दिया हुआ है, मनियारी नदी। तो दोस्तों इसमें समूह जो दिया गया है यहाँ पर इसके आधार पर इसका मिलान करना है। अब देख लीजिए इसका ऑप्शन को, ऑप्शन ए में दोस्तों दिया ए बी सी डी, ऑप्शन बी में दिया है बी ए सी डी, ऑप्शन सी में दिया है सी ए बी डी, और ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों सी डी बी ए। तो ये ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए, उसके बाद जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए जो है दोस्तों संजय गांधी परियोजना, या दोस्तों संजय गांधी है दोस्तों ये जो है खारंग नदी पर है, और खारंग नदी पर बना हुआ है, और राजीव गांधी परियोजना जो कि दोस्तों मनियारी नदी पर है, और दुधवा परियोजना जो है महानदी पर है, और सिकासार परियोजना जो है दोस्तों वो आपका पैरी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, इसका यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सी डी बी ए। हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, छत्तीसगढ़ में सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों के विकास के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कितने कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों 125, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है दोस्तों 50। इसका आंसर दोस्तों आप लोग पता होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, जो दिया गया है दोस्तों सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों के विकास के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कितने हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50, जो दोस्तों 50 हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है। हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, यानी कि जो महानदी का जो नीलोत्पला नाम है ये कौन से युग में बताया गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है मार्कंडेय पुराण, ऑप्शन सी है ब्रह्म पुराण, ऑप्शन डी है वायु पुराण। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों, इसके बाद में इसका सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म पुराण में जो है दोस्तों महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। इसमें भी दिया गया है दोस्तों अभी वर्तमान नाम,
और इसका पुराना नाम कौन सा क्या रहा होगा वो आपको बताना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, अर्पा का सामने शनि दिया हुआ है, शिवनाथ के सामने हस्तु समा दिया हुआ है, जोग के सामने प्लासनी और हसदो के सामने कृपा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कूट जो सही उत्तर का दिया गया है उसको एक बार देख लीजिए, ए है 2 3 4 1, बी है 3 3 4 2 1, ऑप्शन सी है दोस्तों 2 4 3 1, ऑप्शन डी है 4 2 3 1। तो ये ऑप्शन है दोस्तों और इसका क्वेश्चन ये है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका मिलान कर लेते हैं दोस्तों, जो अर्पा का जो पुराना नाम था कृपा था, शिवनाथ का जो नाम है शनि था, और जोग का है जोग का दोस्तों प्लासनी है, और हस्तो का है हस्तुशोमा। तो इसका आंसर आप लोग इसमें मिला लीजिएगा, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो गया 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी प्रवाह तंत्र में शामिल नहीं है? यानी कि दोस्तों जो गोदावरी का प्रवाह तंत्र है जो हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा नहीं है उसका सहायक नदियां। ऑप्शन ए है नारंगी, ऑप्शन बी है सबरी, ऑप्शन सी है तालपेरू, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों आशा करता आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। जो नारंगी नदी है दोस्तों ये आपका कोंडागांव जिले से निकलती है, सबरी नदी जो है दोस्तों आपका सुकमा जिले से निकलती है, तालपेरू जो है दोस्तों आपका बीजापुर जिले से निकलती है, और ये तीनों ही नदियां दोस्तों गोदावरी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। अतः इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों दोस्तों शामिल है इसके अपवाह तंत्र में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी हसदेव की सहायक नदी नहीं है? यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया हसदेव की सहायक नदी, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है चूर नहीं, ऑप्शन बी है गज, ऑप्शन सी है तान, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है दोस्तों शंख। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, जल्दी से बना दीजिए, उसके बाद मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शंख। संघ जो है दोस्तों हसदेव की जो है सहायक नदी है नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित युग्मों को सुमिलित करना है, निम्नलिखित युग्मों में सुमिलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है। इधर दोस्तों नदी दिया गया है, इसका उद्गम स्थल दिया गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों अर्पा खुंडरी खुंगसरा की पहाड़ी, ऑप्शन बी है दोस्तों पैरी नदी जो है भातीगढ़ की पहाड़ी, और ऑप्शन सी है दोस्तों कन्हर नदी जो कि छुरी होगा यहाँ पे दोस्तों छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, ऑप्शन डी है हॉप नदी कांदावनी की पहाड़ी। ये जो दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है इसको आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों अर्पा जो है खुंडी खुमसरा की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। पैरी जो है दोस्तों भातीगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है दोस्तों कन्हर नदी है छुरी मतिरंगा, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, कन्हर नदी जो है छुरी मतिरंगा से नहीं, ये जो है दोस्तों ये बखोना चोटी जो पंडा पाट में स्थित है, जो बगीसा तहसील के अंतर्गत आता है, जसपुर का जिले के अंतर्गत आता है, उसमें अवस्थित है। तो कन्हा नदी का दोस्तों बखना छोटी पंडा पाट होगा, छुरी मतिरंगा नहीं होगा। ऑप्शन डी हॉप नदी कांदावनी की पहाड़ी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है दोस्तों यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि यह सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से बाघ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो बाघ नदी है दोस्तों इसका उद्गम स्थल बताना है आपको। ऑप्शन ए है दोस्तों छोटा डोंगर, ऑप्शन बी है कुलझारी पहाड़ी, ऑप्शन सी है लोरमी पठार, ऑप्शन डी है बखुरा चोटी। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बना दीजिए, बाघ नदी का जो है उद्गम स्थल आपको बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आप लोग सही आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो इसका बाघ नदी का उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों कुलझारी पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित युग्मों को सुमिलित कीजिए, और यहाँ दोस्तों नदी दिया गया है, इसकी लंबाई दिया गया है, इसको हम लोग सुमिलित करना है। हसदेव के सामने 90 किलोमीटर दिया है, लीलागढ़ के सामने 176 किलोमीटर, और जोग के सामने 173 किलोमीटर, सबरी के सामने दोस्तों 135 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ दोस्तों इसके सबूत की वजह से सही उत्तर चुन रहा है,
तो जो कि यहाँ दिया गया है, जैसे ऑप्शन ए का है 1 2 3 4, ऑप्शन बी का है 3 4 2 1, ऑप्शन सी का है 3 1 4 2, ऑप्शन डी का है दोस्तों 2 3 4 1, ये ऑप्शन है दोस्तों। और यहाँ पे आपको मिलाना है, देख लीजिए एक बार। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स से दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका पहला वजह से दोस्तों जो हसदेव का है जो दोस्तों 176 किलोमीटर, ये दोस्तों ये यहाँ पास ऐसे होगा। लीलागढ़ जो है दोस्तों वह आपका 135 किलोमीटर है, और जोग जो है दोस्तों 90 किलोमीटर है, और शबरी जो है दोस्तों 173 किलोमीटर है। तो इसका आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों सही होगा ऑप्शन नंबर सी 3 1 4 2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिहन की सहायक नदी नहीं है? इनमें से जो जो नदी है, ये रिहन की जो नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोबरी, ऑप्शन बी है मोरनी, ऑप्शन सी है महान, ऑप्शन डी है गलफुला। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद में इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो इसकी सहायक नदी नहीं है रिहन की, हुआ है ऑप्शन नंबर डी गलफुला। बाकी गोबरी मोरनी महानी तीनों जो नदियां हैं या रिहन नदी की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदी नहीं है? जो इंद्रावती नदी की जो है उत्तर की ओर जो आके मिलती है नीचे दक्षिण की तरफ, तो इनमें से जो नदियां हैं ऊपर से नीचे की ओर कौन सा नहीं आती है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है निबरा, ऑप्शन बी है बोर्डिंग, ऑप्शन सी है दोस्तों नंदीराज, ऑप्शन डी है नारंगी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंदीराज। जो नंदीराज नदी है दोस्तों यह उत्तर की ओर से नहीं बल्कि दक्षिण की ओर से आती है। तो आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस नदी में नौका परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ की कौन सी एकमात्र नदी है जिसमें नौका परिवहन का सुविधा उपलब्ध है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों मांड, ऑप्शन बी है कोलाब, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है दोस्तों शिवनाथ नदी। तो आशा करता हूँ आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। जो कोलाब नदी है दोस्तों आपका सुकमा जिले से निकलते हुए आंध्र प्रदेश का एक जिला है वहां तक जाती है, तो वहां तक दोस्तों यहाँ पे नौका परिवहन का सुविधा उपलब्ध है। तो इसको दोस्तों ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलाब नदी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कोलाब गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है, दूसरा है दोस्तों कन्हा नदी का उद्गम बखोना चोटी से हुआ है, तीसरा है दोस्तों रिहन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, चौथा है दोस्तों घूंगा नदी लीलागढ़ की प्रमुख नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ये जो तीन तो दिया गया, चार कथन दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है गलत है उसको आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 4। तो इसको दोस्तों कथन देख के आप लोग बताइए जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसमें से दोस्तों जो असत्य है, देखिए जैसे कोलाब जो गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी बिल्कुल सही है, कन्हा नदी का उद्गम बखोड़ा चोटी से हुआ ये भी बिल्कुल सही है, रिहन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, घोंगा नदी लीलागढ़ की प्रमुख सहायक नदी है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही है, केवल 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से जो कौन सी नदी है जो उड़ीसा से संबंधित नहीं है या उड़ीसा में नहीं बहती है? ऑप्शन ए है दोस्तों महानदी, ऑप्शन बी है इंद्रावती, ऑप्शन सी है दोस्तों शबरी, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों महानदी भी जैसे बहते हुए उड़ीसा से जाती है, इंद्रावती भी दोस्तों उड़ीसा से निकलती हुई आती है, और शौरी भी दोस्तों उड़ीसा से निकलती हुई है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, यानी तीनों ही दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी में हुआ है? जो गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण है दोस्तों, यह कौन सा नदी पर हुआ है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों कन्हर, ऑप्शन बी है हसदेव, ऑप्शन सी है रिहंद, ऑप्शन डी है दोस्तों मांड। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो वल्लभ पंत सागर बना हुआ है, या ऑप्शन रिहंद नदी पर बना हुआ है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिहंद नदी। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तांदुला बांध किस जिले में स्थित है? तांदुला बांध जो है दोस्तों किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बालोद, ऑप्शन बी है धमतरी, ऑप्शन सी है दोस्तों राजनांदगांव, ऑप्शन डी है दोस्तों दुर्ग। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे इसका आंसर। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालोद। बालोद में जो तांदुला बांध बना हुआ है महानदी पर दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालोद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 18 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों में युग्मों को सुमिलित कीजिए। इधर दोस्तों नदी दिया गया है, इधर उद्गम स्थल दिया गया है, आपको उसको मिलान करना है। यहाँ हाप के सामने दोस्तों पेंड्रा लोरमी का पठार, इंद्रावती के सामने बखोना चोटी, अरपा के सामने कांदावानी की पहाड़ी, कन्हार के सामने मुंगेर पहाड़ी, मतलब कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपको बताना है। यहाँ दोस्तों समूह दिया गया है जिसमें मिलान करना है आपको, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 3 4 2 1, ऑप्शन सी है 3 4 1 2, ऑप्शन डी है दोस्तों 4 3 1 2। तो इसका जल्दी से आप लोग मिलान कर लीजिए। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हाप नदी का जो उद्गम है, या दोस्तों आपका तो हाप जो है दोस्तों मुंगेर पहाड़ी से निकलती है, तो इसका होगा डी, इंद्रावती है जो दोस्तों ये कांदावानी की पहाड़ी, यानी सी होगा, और अरपा जो है दोस्तों यह आपका पेंडर लोमी का पठार बिलासपुर, और कन्हा जो दोस्तों बखोना जो कि जसपुर जिले में स्थित है, तो इसका आप लोग मिला यहाँ पर ऑप्शन में मिला लीजिएगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से जमुनिया किसकी सहायक नदी है? जो जमुनिया है दोस्तों कौन किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है अरपा, ऑप्शन बी है हाप, ऑप्शन सी है लीलागढ़, ऑप्शन डी है शिवनाथ। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो आपका जमुनिया नदी है, या आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ नदी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के संगम स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो संगम स्थान है इनमें से कौन सा असत्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए है महानदी लाट, मांड और चंद्रपुर, ऑप्शन बी है पैरी सोंढूर महानदी राजिम, ऑप्शन सी है दोस्तों जोग शिवनाथ महानदी शिवरी नारायण, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना होगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही है, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, स्पीड करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को होगा दोस्तों यहाँ पे भारतीय नियाग्रा की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों जोगगढ़सप्पा जलप्रपात, ऑप्शन बी है तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन डी है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन डी है दोस्तों अमिधा जलप्रपात। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात, जो कि दोस्तों बस्तर जिले में स्थित है, तथा इसकी चौड़ाई जो है 300 फीट चौड़ा है दोस्तों, इसीलिए इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 22 है, अमृतधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों काफी बार आ चुका है छत्तीसगढ़ एग्जाम में, तो जल्दी से आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। ऑप्शन ए है कोरिया, ऑप्शन बी है कोरबा, ऑप्शन सी है दोस्तों जसपुर, ऑप्शन डी है महासमुंद। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा कोरिया। जो कोरिया जिले में जो हजर नदी बहती है उसी नदी पर दोस्तों अमृतधार जलप्रपात बना हुआ है, या उसमें से उसमें अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? जो अमृतधारा जलप्रपात है इसमें से किस गांव में स्थित है आपको बताना होगा। ऑप्शन ए है मुंडा पहाड़, ऑप्शन बी है दोस्तों बेंद्रीपुर, ऑप्शन सी है बरबसपुर, ऑप्शन डी है परसकोल। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बरबसपुर। तो आशा करता हूँ आप लोगों का आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो कोठली जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए हसदेव, ऑप्शन बी है कन्हर, ऑप्शन सी है इंद्रावती, और ऑप्शन डी है दोस्तों गलफुला। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए कमेंट बॉक्स पे, चाहे अपना नोट बुक पे, उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो कोठली जलप्रपात है आपका बलरामपुर जिले में स्थित है, और यह दोस्तों कन्हर नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्म को सम्मिलित करना है। जलप्रपात और इधर नदी दिया गया है, कौन सा जलप्रपात कौन सा नदी पर स्थित है? जैसे दोस्तों मलाजकुंड जलप्रपात के सामने दूध नदी दिया है, गावरगढ़ जलप्रपात, मुंगाबाह नदी, तीरथगढ़ जलप्रपात, मांड नदी, रखसगंडा जो है हसदेव नदी। तो इसका आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। यहाँ पे इसका कूट दिया गया है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 3 2 4, ऑप्शन सी है 2 3 4 1, ऑप्शन डी है दोस्तों 1 4 2 3। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका मिलान कर लेते हैं दोस्तों, जो मलाजकुंड जलप्रपात या दूध नदी दोस्तों ये यानी कि एक का एक होगा, गावरघाट जो है दोस्तों यह आपका हसदेव नदी पर स्थित है गावरघाट, और तीरथगढ़ जलप्रपात जो है दोस्तों यह आपका मुनगा पहाड़ में स्थित है नदी पर, और रकतगंगा जो है मान नदी। तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 1 4 2 3, यानी कि इसका ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल सही होगा 1 4 2 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसको बताना है कि कौन सा। ऑप्शन ए है चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी है तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन सी है अमृतधार जलप्रपात, ऑप्शन डी है दोस्तों केंद्रीय जलप्रपात। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका आंसर दोस्तों सही आंसर होगा जो तीरथगढ़ जलप्रपात है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहा जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों तामड़ाघुमा जलप्रपात, ऑप्शन बी है बोंगतुंग जलप्रपात, ऑप्शन सी है अकुरी नाला, ऑप्शन डी है दोस्तों खुरसेल झरना। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लिए होंगे। जो छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर है दोस्तों, यह दोस्तों अकुरी नाला जलप्रपात को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकुरी नाला, जो कि दोस्तों कोरिया जिले में स्थित है हसदेव नदी पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इंद्रावती नदी पर निर्मित चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो जो इंद्रावती नदी की इसकी जो ऊंचाई आपको बताना है, लगभग 90 फीट, लगभग 300 फीट, ऑप्शन सी लगभग 30 से 40 फीट, ऑप्शन डी है दोस्तों लगभग 150 से 160 फीट, जिसका आपको ऊंचाई बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों यह लगभग 90 फीट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में के कोरिया जिले में नहीं है?
यानी कि दोस्तों जो प्रवाह क्षेत्र है कि इनमें ऑप्शन में से कौन सा का कोरिया जिले में नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों हसदेव नदी, ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है गोपद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट से दे दीजिए। तो दोस्तों हसदेव नदी भी दोस्तों बहती हुई कोरिया के कुछ जिलों से होकर गुजरती है, कुछ हिस्से से होकर गुजरती है। बनास भी है, गोपद भी है, यानी कि तीनों दोस्तों बिल्कुल सही है। ये तीनों ही नदियां दोस्तों आपका कोरिया जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, नदी घाटी दे दिया है, तट पर स्थित नगर दिया है। हसदेव घाटी के तट पर कौन सा नदी शहर बसा आपको बताना है। तो सामने दिया कोरबा सामने दिया खारून नदी का रायपुर, अरपा नदी का बिलासपुर, किलो का बलौदा बाजार। तो इसका जल्दी से इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे कूट दिया गया, आप लोग मिला लीजिए। केवल एक, केवल एक और दो, दो और तीन, एक दो और तीन इसका ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। इसमें सत्य बताना है। हजदो नदी दोस्तों कोरबा बिल्कुल सही है, खारून नदी के किनारे रायपुर ये भी बिल्कुल सही है, अरपा के किनारे बिलासपुर ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, केलो नदी के किनारे दोस्तों बलौदाबाजार नहीं बल्कि रायगढ़ अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक, दो और तीन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एक दो और तीन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, परवर्ती नदी। जो पठन दिया गया है इसका दोस्तों ये यहाँ पे कूट दिया गया है, केवल दो, एक, केवल दो, एक और तीन, और ऑप्शन डी है दोस्तों एक, दो और तीन। इसमें दोस्तों महानदी के संदर्भ में उपयुक्त कथन देखना है ना। तो कौन कौन सा नदियां यानी कि इस आपातन में आके किधर किधर से आके मिलती है आपको ये बताना है। तो केवल दो इसमें सही होगा दोस्तों, अनुवर्ती नदी, यानी कि दोस्तों जो अनुवर्तीय नदियां होती हैं ये सभी आके आपको महानदी के में मिलती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से बंजर किसकी सहायक नदी है, बंजर जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है सोन गंगा, ऑप्शन डी है दोस्तों महानदी। जो बंजर नदी किसकी सहायक नदी है इसका आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगा। जो दोस्तों ये बंजर नदी है दोस्तों ये आपका राजनांदगांव और महाराष्ट्र और कुछ आपका मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह दोस्तों बंजर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित प्रदेश की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है। सहायक नदियां इसमें से कौन सा किसके नहीं है, हसदेव के सामने आइडन चोर नहीं दिया है, ऑप्शन बी है कन्हा के सामने गल्फुआ फुला पेंजन, और महानदी के सामने मांड और किलो, सभी के सामने तेल और सारंगी। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। नहीं है बताना, हसदेव के सामने अहिरन चोर नहीं ये बिल्कुल सही है दोस्तों, कन्हा के सामने गलफुला और पिंजन ये भी बिल्कुल सही है, महानदी के सामने जो माण और किलो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सबरी के सामने तेल और सारंगी ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शबरी के सामने तेल और सारंगी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है। चुर्रे मुर्रे झरना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, कवर्धा, नारायणपुर, राजनांदगांव और दंतेवाड़ा। तो दोस्तों इसका चौरे मोरे का बताना है आपको कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है कवर्धा, नारायणपुर, राजनांदगांव और दंतेवाड़ा। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों चौरे मोरे जो जलप्रपात है आपका ऑप्शन बी होगा, नारायणपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 35 का। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कन्हर नदी का प्रवाह निम्नलिखित में से किसकी ओर है, यानी कन्हर नदी दोस्तों किस ओर बहके जाती है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, दक्षिण से उत्तर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण। तो ये ऑप्शन दिया गया दोस्तों आपको बताना है कि कन्हर नदी का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, जो कन्हर नदी का है दोस्तों या इसका बहाव क्षेत्र है।
अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा महानदी का प्राचीन नाम है? महानदी का प्राचीन नाम, अच्छा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, नहीं है होगा, महानदी का प्राचीन नाम नहीं है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों हस्तक्षमा, ऑप्शन बी है महानंदा, ऑप्शन सी है कनक नंदिनी, ऑप्शन डी है चित्रोत्पला। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोग को पता होगा, और इसका आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षमा जो है दोस्तों इसका कभी प्राचीन नाम नहीं रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शिवनाथ नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? जो शिवनाथ नदी है दोस्तों आपका राजनांदगांव से निकलती है, किस पहाड़ी से, मतलब कहाँ से होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों सिहावा पर्वत, ऑप्शन बी है भातीगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन सी है तैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन डी है पानावरस की पहाड़ी। तो आशा करता हूँ इसको आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पानावरस की पहाड़ी से जो है दोस्तों शिवनाथ नदी निकलती है। तो इसका कुल लंबाई दोस्तों है 279 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 37 है, शाकंभरी योजना का संबंध किससे है? यार क्वेश्चन दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इसलिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों चिकित्सा से, ऑप्शन बी है गृह निर्माण से, ऑप्शन सी है सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना से, ऑप्शन डी है दोस्तों वाटर रोड विकास से। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो शाकंभरी योजना है, यह दोस्तों सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना से है। जो दोस्तों गरीबी रेखा से जीवन नीचे जीवन स्तर है जिनका, उनको दोस्तों यह सब सुविधा शाकंभरी योजना के तहत दिया जाता है। चलिए दोस्तों इसका यानी कि सही आंसर होगा सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं हैं। केलो विरिया सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना, हजदेव सिंचाई परियोजना, और चौथा है मनियारी सिंचाई परियोजना। इसमें से दोस्तों कौन कौन सा सही है जो छत्तीसगढ़ का 99, जो भारत सरकार द्वारा 99 महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया, सो छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा परियोजना शामिल है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1 व 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है दोस्तों 1, 2 और 4। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों किलो वृहत सिंचाई परियोजना ये भी बिल्कुल सही है, खारंग सिंचाई परियोजना ये भी बिल्कुल शामिल किया गया है, और मनियारी सिंचाई परियोजना इसको भी बिल्कुल शामिल किया गया है दोस्तों 99 परियोजनाओं के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि दोस्तों 1, 2, 4 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 का, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नदी अफातंत्र नहीं है? यानी दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो नदी अफातंत्र है इनमें से कौन सा नहीं है? गोदावरी अफवातंत्र, नर्मदा अफवातंत्र, ऑप्शन सी है सोन गंगा सोन नदी अफवातंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से दोस्तों कौन सा नदी अफवातंत्र छत्तीसगढ़ में नहीं है या नहीं बहती इनमें इनकी सहायक नदियाँ, तो आपको बताना है। तो दोस्तों ये तीनों ही नदियाँ दोस्तों, मतलब जो उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियाँ दोस्तों सोन गंगा में मिलती है, जो दोस्तों कुछ पश्चिमी छत्तीसगढ़ की कुछ नदियाँ है वह दोस्तों नर्मदा अफवातंत्र मिलती है, और गोदावरी जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ की नदियों अफवातंत्र है दोस्तों। यानी कि तीनों ही आंसर दोस्तों सही होगा, ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ राज्य का चंद्रपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों ये जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, नहीं सॉरी दोस्तों रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका दोस्तों आपको बताना है कहाँ पर इसका संगम नहीं है, मतलब संगम है किस नदियों के स्थान पर दोस्तों शहर के बगल में। ऑप्शन ए महानदी पहली सोंडूर, ऑप्शन बी है महानदी मांडलालात, ऑप्शन डी सी है दोस्तों महानदी लात अजोक, ऑप्शन डी है महानदी शिवनाथा मांड। इसका ऑप्शन दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यानी कि चंद्रपुर शहर दोस्तों किन नदियों के संगम पर स्थित है ये बताना है आपको दोस्तों। ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी मांड और लात जो दोस्तों इस तीनों के संगम, इन तीन नदियों के संगम पर दोस्तों चंद्रपुर शहर बचा है जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं को देखते हुए, तो उसको दोस्तों अपने दोस्तों को, अपने मित्रजनों को जरूर शेयर कीजिएगा।
कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।